हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस का मॉक नंबर 8, है ना। इसके पहले हम टोटल 7 मॉक कर चुके हैं और सारे जो मॉक हैं वो क्या हैं, वो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस जो SSC पैटर्न परीक्षा करा रही है उस परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए सारे सवाल हैं, है ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बाहर से, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो क्वालिटी क्वेश्चन हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो तुरंत वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सकें। शेयर आपको इसलिए नहीं करना है कि हमारे व्यूज बढ़े, वॉचिंग बढ़े, शेयर आपको इसलिए करना है कि दिल्ली पुलिस से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या हो जाए, लाभ हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जिन लोगों ने भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो तुरंत क्या करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आप रीजनिंग, विकास सिंह रीजनिंग टाइप करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक में आपको टेलीग्राम में सर्चिंग में क्या डालना है, विकास सिंह रीजनिंग बिना स्पेस के डालिएगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो जो भी सवाल हो परीक्षा से रिलेटेड वो वहां पे हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, विषधार मेढक, उभयचर और आगे हमको बताना है, ठीक। तो देखिए जो मेढक होता है ना वो क्या है, उभयचर होता है, मतलब उसकी प्रजाति दी गई है। तो देखिए केकड़ा, गिलहरी सरीसृप, घेंगा उभयचर, तो क्या हो जाए, कछुआ सरीसृप, है ना। इसका आंसर हो जाए क्या, कछुआ सरीसृप, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, 46, 92, 69 हमको इसके साथ इसमें से बताना है कौन सा है ना। तो देखिए पहले हम क्या करें, 46 × 2 कर दे तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और 46/2 करें तो क्या हो जाएगा, 23, और उसमें हम 46 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा ये, 69। अब इसी के साथ हमको दूसरे पार्ट को करना है, तो लास्ट वाला देख लीजिए, 34 × 2 बराबर क्या हो गया, 68, और 34/2 कितना हो गया, 17 में 34 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 51। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पहले में 2 है और अगले में क्या है, 1.5 कर सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए, क्या करना है हमको, विषम को चुनना है, क्या करना है, विषम को चुनना है। अब ध्यान दें, तरल, तार, नदी, समुद्र और महासागर। अब ध्यान दीजिएगा कि जो नदी है वो प्राकृति है, नेचुरल है, समुद्र नेचुरल है, महासागर नेचुरल है, लेकिन तरल ताल हम क्या कहते हैं, तरल ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, है ना, ये कृत्रिम है, इसको बनाया जा सकता है, तो यह इन सब से क्या होगा, अलग होगा, है ना, क्योंकि बाकी सब नेचुरल है और एक क्या है, आर्टिफिशियल है। बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहला तरण ताल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शब्दकोश के अनुसार इसको लिखना है, शब्दकोश के अनुसार हमको इसको अरेंज करना है, हालांकि हमने इसकी क्लास आपको पढ़ा दी है फिर भी हम यहां पर देखते, देखिए IMP कॉमन है, ठीक, इसका मतलब इससे डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पे O है, R है, L है, R है और O है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो L आएगा, और 3 नंबर देखना है पहले कितने ऑप्शन में है, तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और यहां पे तो कंफर्म है कि तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक। अब देखिए ये पहला हो गया, पी के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ओ 2 ऑप्शन में है, है ना, ओ क्या है, 2 ऑप्शन में। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ओ के बाद वाले से डिसाइड करें, कॉमन के जस्ट बाद वाले से डिसाइड करते हैं, तो ओ के बाद यहां पे आर है और यहां पे एस है, तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा, तो आपके सबसे पहले आर आएगा, इसका मतलब ये होगा दूसरे नंबर पे और ये होगा तीसरे नंबर पे, ठीक। उसके बाद देखिए अब 2 ऑप्शन में आर है, तो R के जस्ट बाद यहां पे E है और यहां पे O है, तो सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा चौथे नंबर पे और ये हो जाएगा पांचवें नंबर पे। तो सीक्वेंस क्या बना, तो सबसे पहले पे 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, और 2 के बाद क्या हो जाएगा 4,
3, 5, 1, 2, 4 यही आंसर होगा। और ये किसके साथ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 3, 5, 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में है, और वो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोज और मनोज एक ही बिंदु से जॉगिंग करने के लिए निकले। ये एक ही बिंदु है ना। सरोज और मनोज एक ही बिंदु से जॉगिंग करने के लिए निकले। सरोज पूर्व की ओर 4 किमी चला, 4 किमी चला, इधर कौन चला? सरोज। और कह रहा है मनोज पश्चिम की ओर 3 किमी चला, 3 किमी चला। सरोज बाई ओर मुड़कर 4 किमी चला, सरोज बाई ओर मुड़कर 4 किमी चला। और क्या कह रहा है मनोज दाई ओर मुड़कर 4 किमी चला, तो ये भी दाई ओर मुड़ के चलेगा तो 4 किमी चला, है ना, मतलब दोनों पैरलर है। ठीक, अब सरोज और मनोज के बीच कितनी दूरी है? तो सरोज और मनोज के बीच की दूरी यही है, और ये क्या होगी? इसके पैरलर होगी। इसका मतलब ये दूरी कितनी है? 4 और 3 कितनी हो गई? 7। तो ऊपर भी कितनी हो जाएगी? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा सरोज और मनोज के बीच कितनी दूरी है? तो आप कह सकते हैं 7 किलोमीटर की दूरी है। सरोज और मनोज के बीच कितनी दूरी है? तो आप कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र में हमको बताना है कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा वर्ग बन गया, है ना, और इसमें कितने हो गए? तो 4 × 2 = 8 और एक ये बन गया 9। आंसर क्या हो जाएगा? 9, है ना। क्या कहा कि इस वर्ग में कितने हैं? 9। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि जब भी वर्ग में त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो केंद्र से जितनी रेखाएं जाएं उसके क्या होते हैं? 2 गुने त्रिभुज होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सारे वीडियोज जो फिगर काउंटिंग के हैं वहां पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है बहुत लंबा सा, इसके लिए हमने आपको क्या टेक्निक बताई है? हमने टेक्निक यह बताई है कि जब भी ऐसे प्रश्न मिले सबसे पहले हमको अक्षर काउंट करने हैं और उन अक्षरों की क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, मतलब इसकी जो पेयरिंग होने वाली है दो तरीके से, या तो 4, 4 की 6 हो जाए या 6, 6 की 4 हो जाए, है ना, या तो 4, 4 की 6 हो जाए या 6, 6 की 4 हो जाए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब देखिए पी एम एम मिला। अब देखिए पी एम, तो पी एम एम इसको हम जे कह सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एम जे पी एम, सॉरी एम हो जाएगा और जे हो जाएगा। अब देखिए यू यू सी एम, तो यू यू सी एम, है ना, फिर क्या हो जाएगा? यू यू सी एम हो गया आंसर। अब आंसर क्या बनेगा इसका? तो यू सी एम जे पी यू एम जे, है ना, यू सी एम जे पी यू एम जे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहां पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर बिल्कुल वैसा है जैसा 2016? तो हमने आपको ट्रिक बताई है कि अधिवर्ष अपने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। अधिवर्ष क्या होता है? अपने 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2044, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2044, 28 जोड़ दिया, है ना। बस ट्रिक ध्यान देके जब भी अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष में प्लस 28 कर देंगे, वही वर्ष क्या होगा? उसके रिपीटेशन होगा। ऐसा क्यों होता है? कैलेंडर के वीडियो में हमने आपको इसको पढ़ाया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ ऐसा डिटेल में पढ़ना हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पर वीडियोज हमारे देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। कुछ लोग कतार में खड़े हैं, वैशाली
आगे से 10वें स्थान पर है और पीछे से 32वें स्थान पर, बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, तो बसंत का आगे से स्थान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि हमने यहां पे कहा है कि ए का आरंभ से स्थान प्लस ए का अंत से स्थान इज इक्वल टू बी का आरंभ से स्थान प्लस बी का अंत से, मतलब यहां पे वैशाली का आरंभ से स्थान प्लस वैशाली का अंत से स्थान बराबर क्या है, बसंत का आगे से स्थान प्लस बसंत का पीछे स्थान। तो आगे से तो हमको नहीं, सॉरी स्थान नहीं पूछा है, अच्छा बसंत का आगे से स्थान पूछा है ना, आगे से स्थान बसंत का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि L बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा 19, है ना। तो जो आगे से स्थान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 19। अब दूसरा क्या पूछा है कि मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो ध्यान दीजिए कि वैशाली का आर क्या है 32 है और बसंत का आर क्या है 23। अब एक ही ओर से स्थितियां दी जाए तो हमने क्या बोला है, स्थितियों का अंतर -1, है ना, क्योंकि हमने आर आर की वैल्यू ले ली, स्थितियों का अंतर -1, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 23 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 व्यक्ति, है ना। या मान लीजिए कि आप लेफ्ट लेफ्ट का ले लीजिए, ये भी लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 10 माइनस 1 तब भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति की स्थितियां एक ही ओर से दी जाए तो मध्य की संख्या बराबर हम क्या कहते हैं, उनकी स्थितियों का अंतर -1, क्या करते हैं उनकी स्थितियों का अंतर -1। तो 19 और 8 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए इस चित्र में हमको बताना है कितने आयत हैं, ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 जोड़ दिया कितने हो गए 6, 1, 2 जोड़ दिया कितने हो गए 3, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए, है ना, और एक बड़ा वाला भी तो बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, है ना, इसमें कितने हो जाएंगे 10 आयत हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए इसको अरेंज करना है। ठीक, तो हम कहेंगे सबसे पहले आएगा गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई कहाँ है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कहाँ है भारत में है, भारत कहाँ है एशिया में है, और एशिया कहाँ है दुनिया में है या विश्व में है, तो क्या हो जाएगा 3, 2, 5, 6, 4, 1 3, 2, 5, 6, 4, 1 3, 2, 5, 6, 4, 1 किस ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 4 + 5 बराबर कितना हो गया 9 और 4 × 5 बराबर कितना हो गया 20 और इनका गुणा कर दें तो 180 हमको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना, 180 हमको बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 9 + 11 = 20 और 9 × 11 = 99 अगर हम इसमें गुणा करें तो 20 × 9 = 180 जीरो लग दिया 18, 20 × 9 = 180 और 18 कितना हो जाएगा 180 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 198 1980 आ गया। ठीक, जैसे हम यहाँ पे करें 21 + 9 = 30 और 21 × 9 9 = 9 और 9 × 18 अब ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0 3 × 9 = 27 है ना, 3 × 8 = 24 और 2 = 26 और 3 × 2 = 56 = 70 क्लियर। आगे क्या है बताइए, 41 + 8 बराबर क्या हो जाएगा बताइए 49, है ना, और 41 × 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 8 और 8 × 4 = 32 जब इनका गुणा करेंगे तो वो संख्या नहीं प्राप्त होगी, तो यही क्या हो जाएगा, इन सब से भिन्न हो जाएगा या असंगत हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। बस समझ में आई, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक, कैसे होगा हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, चलिए आगे।
क्या पूछा है, दी गई आकृति में जेड के युग्म फलक के विपरीत क्या होगा। अब जेड के विपरीत क्या होगा, के होगा, एन का एस होगा और टी का आर होगा। तो जेड के विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना। जेड के विपरीत क्या हो जाएगा, तो जेड के विपरीत के हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए सी एल को एल सी लिख दिया, देखिए सी एल ए आई एम। अब देखिए सी एल को हमने एल सी लिख दिया और इसमें प्लस वन करके बी और आई एम को हमने एम आई लिख दिया। यही तो कूट है, एल सी बी एम आई। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम ए सी लिख देंगे और यहां पे प्लस वन सी हो जाएगा और ये ई एल हो जाएगा, ए सी सी ई एल। क्या हो जाएगा, ए सी सी ई एल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए सी सी ई एल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, आगे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न इसके स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए प्रश्न चिन्ह, ये डिफरेंस कितने का है, एक का है, ये डिफरेंस कितने का है, आठ का है, ये डिफरेंस कितने का है, सत्ताईस का है और ये डिफरेंस कितने का है, इक्यानवे नौ, पचपन नौ चौंसठ का है। तो कुछ मिला तो ये हो जाएगा एक का क्यूब, ये हो जाएगा दो का क्यूब, ये हो जाएगा तीन का क्यूब, ये हो जाएगा चार का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा पांच का क्यूब, कितना होता है 125, जोड़ दिया कितना हो जाएगा 280 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब देखिए ये किस में मिलेगा, ये तो सीधे इसमें मिल रहा है ना, ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिल गया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए इसका बताना है, तो ये दो और यहां पे ये बनेगा चार और इसी के ऊपर बनेगा चार और, है ना, कुछ ऐसे बनेगा। और ऐसा कौन सा फिगर है, ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। पाई थीटा चिन्ह है ना, क्या है, पाई थीटा चिन्ह। अब इसके लिए बताना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए चिन्ह के अंतर्गत दोनों आते हैं, है ना, चिन्ह के अंतर्गत दोनों आते हैं, क्या, पाई और थीटा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। चिन्ह के अंतर्गत दोनों आते हैं, कौन कौन से, पाई और थीटा। तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए इसका हमको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, है ना, इसका हमको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, तो सात और चार को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11, और इसमें बीच वाले से गुणा कर दीजिए तो 88 मिल जाएगा। ठीक, जैसे पांच और छह को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 बराबर 11, और बीच वाले का गुणा कर देंगे तो 121 मिल जाएगा। वैसे ही 9 और 3 को जोड़ देंगे 12, और बीच वाले का गुणा कर देंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 84 प्राप्त होगी, और 84 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना, 84 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब जरा आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए तो सभी लोग। सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करें इसको, तेजी के साथ सॉल्व कीजिए, है ना, तेजी के साथ सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ आकृतियां छोटी से कुछ छोटी आकृतियां सही हो जाएगा और कुछ लाल छोटे नहीं सही होगा, तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष एक हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना, निष्कर्ष एक हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, निष्कर्ष एक हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जे पी का पुत्र है, जे किसका पुत्र है, पी का पुत्र है, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की, क्यू एम का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका, एम का, और पूछा है एम
पी से किस प्रकार संबंधित है। अब चूंकि एम पी के भाई का माता या पिता हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता अथवा पिता, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माता अथवा पिता। क्यों हो रहा है, क्योंकि पी का जेंडर क्लियर नहीं है, और जब जेंडर क्लियर नहीं है तो पॉसिबिलिटीज दोनों की है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ध्यान रखिए कि जब भी जेंडर क्लियर ना हो, जब भी जेंडर क्लियर ना हो तो पॉसिबिलिटीज दोनों की होती है, मेल की भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज हैं जितनी फीमेल की हैं, है ना, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, या तो माता होगा या क्या होगा, पिता होगा, है ना। तो हमने आंसर नंबर 4 कर दिया, ठीक। अगर जेंडर क्लियर होता, मेल होता तो पिता होता, फीमेल होता तो क्या होता, माता होती, ठीक। चलिए आगे बताना, भिन्न आकृति को चुनिए, है ना, इनमें से हमको क्या करना है, भिन्न आकृति को चुनना है, तो सबसे भिन्न यही वाला पोर्शन है ना, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यही फिगर क्या है, सबसे भिन्न है, ठीक। आगे भिन्न आकृति को चुनिए। अब देखिए यहां पे जिस साइड बिंदु वही साइड लाइन है, जिस साइड बिंदु उसी साइड लाइन है, जिस साइड बिंदु है उसी साइड, लेकिन यहां पे क्या है, अपोजिट है ना, इसलिए यही क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, है ना, इसलिए यही क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना, इस प्रश्न के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए प्रश्नों में से स्थान पे आना, अब देखिए यहां पे बताना है क्या आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, पहले से दूसरे में कितने की शिफ्टिंग है, 45 डिग्री की, है ना, दूसरे से तीसरे में भी कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, तीसरे से चौथे में भी कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, तो आगे भी तो 45 डिग्री होगा, तो यहां पर आएगा, और यहां पर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, है ना, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, बहुत ही शानदार सा सवाल है, क्या कह रहा है, क्या बहुत से त्योहारों की छुट्टियों पर प्रतिबंध किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, सभी त्योहारों की बात नहीं कर रहा है, महत्वपूर्ण त्योहारों की बात नहीं कर रहा, जो तमाम ऐसे त्योहार हैं जिसमें छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है उसकी बात कर रहा है ना, तो अब उनमें छुट्टियां कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम उन त्योहारों, जिसे देखिए जो बंदी होती है, दीपावली की बंदी होती है, दशहरे की बंदी लंबी लंबी होती है, होली की बंदी होती है, लेकिन अब ये हर महीने त्योहार है और हर महीने छुट्टी करने लगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे आप देखिए कोरोना काल, कोरोना काल में जितनी देर छुट्टी थी, बंद था सब कुछ, समस्याएं हुई कि नहीं, अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज क्या हो गई, देश की आर्थिक सब कुछ क्या हो गई, प्रभावित हो गई, है ना, तो क्या कह रहा है कि हाँ, तो कह रहा है कि हाँ, यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, सबकी बात कहता है कि क्या सभी त्योहारों की छुट्टियां बंद कर देनी चाहिए, तो आंसर होता ना, बहुत से का मतलब महत्वपूर्ण की बात नहीं कर रहा है, बाकी जो मतलब ऐसे हैं त्योहार जिनकी कोई जरूरत, नाग पंचमी और तमाम तरह के सावन का पहला दिन, अंतिम सोमवार, ये सब बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, अननेसेसरी के मतलब प्रथा की बात नहीं कर रहे, अननेसेसरी का मतलब प्रथा से नहीं है, अननेसेसरी का मतलब यह है कि उसमें छुट्टी ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर दीपावली की छुट्टी ना करें तो समस्या हो जाएगी, होली की छुट्टी ना करें तो समस्या हो जाएगी, लेकिन जो अननेसेसरी गुड़िया पता नहीं क्या क्या है ये सब छुट्टी ना हो तो ठीक है। आगे देखिए, नहीं लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना करने, यही एकमात्र, अब ध्यान दीजिए, जब भी एकमात्र शब्द लग जाए आर्गुमेंट का हो और यही एकमात्र, बिल्कुल सदा ये सब शब्द लगे, तुरंत उसको बिना सोचे क्या कर देना है, गलत कर देना है, बिल्कुल सदा एकमात्र, केवल केवल बस यही एक, ये सब तरीके जहां शब्द मिले जो सिर्फ अकेले की बात करें उस तर्क को हमको क्या करना है, तुरंत गलत कर देना है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहां से आज की क्लास आपकी क्या होती है, समाप्त होती है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नए मॉक के साथ,
तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।